तो स्वागत है आप सभी का। आज जो हम फोकस करने वाले हैं, हमारा फोकस रहेगा 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिवीजन पर। मैं आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर्स में हम इन शॉर्ट सभी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका डिटेल 1 आवर का वीडियो चाहिए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है उसके लिए कुछ चार्ज लग रहा है। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप पेन 2106 का इस्तेमाल कर उस वीडियो को अनलॉक कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक दिन नहीं देख सकते, डेली हमारा रिवीजन चल रहा है तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी उन पॉइंट्स को कवर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड बैंक पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 अभी हाल ही में पब्लिश कर किया है इसने, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी IUCN से रिलेटेड। IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है और रेड लिस्ट में फ्लोरा और फाउना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का स्टेटस बताता है कि कौन से वल्नरेबल हैं, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, इसमें एक्सटेंट हो चुका है। कंटेक्स्ट ये है कि पहले अफ्रीका के जो एलिफेंट हुआ करते थे, अफ्रीका के एलिफेंट को एक ही आइडेंटिटी और कैटेगरी में रखा जाता था और IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकन एलिफेंट वल्नरेबल की कैटेगरी में थे। बट अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा चेंज किया है IUCN ने, अफ्रीकन एलिफेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो अफ्रीकन फॉरेस्ट के एलिफेंट हैं जिन्हें उसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है, और अफ्रीका में ही जो सवाना पाए जाते हैं, अफ्रीका में सवाना के जो मैदान हैं तो वहां पर जो एलिफेंट पाए जाते हैं उनको अलग कैटेगरी बनाकर इसने डिफाइन किया है और इन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए। अगली जो आपकी न्यूज है वो निसार से है। आपसे पूछा जा सकता है कि निसार ऑपरेशन किन 2 ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट वेंचर है, तो दोस्तों ये नासा का और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन में आप जाकर देख सकते हैं, फर्दर आपको जानना है, अदरवाइज MCQ के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगला जो कंटेक्स्ट है वो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया है, इसके इनॉग्रेशन की वजह से हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। कन्वेंशन सेंटर पर आते हैं। कन्वेंशन सेंटर का जो नाम है वो महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है, इन्हीं के नाम पर छतरपुर ये भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दोस्तों ये लेजेंडरी बुंदेलखंड के किंग थे, तो बुंदेलखंड के राजा होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। कंटेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्वदेश दर्शन स्कीम चला रही है इंडियन गवर्नमेंट। स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में चलाई जा रही है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी जो 1 घंटे का वीडियो है। यहाँ पर काम की चीज ये है कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो हमारा सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब है 100% फंड इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। अगर स्पॉन्सर्ड होती तो स्टेट और सेंटर दोनों का पार्टिसिपेशन होता। स्वदेश दर्शन स्कीम क्लियर हो गई। महाराजा छत्रसाल तो खजुराहो के आसपास टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये कन्वेंशन स्टार्ट किया गया है। खजुराहो फेमस है टेंपल्स के लिए। खजुराहो के जो टेंपल हैं वो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के टेंपल हैं और ये बेसिकली 885 से 1015 AD के बीच में बनाए गए, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स में इन टेंपल्स का निर्माण हुआ है। बनवाया किसने था, चंदेला डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने खजुराहो के टेंपल बनवाए थे। दोस्तों अगली जो हमारी न्यूज है वो स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज से है। आपसे पूछा जा सकता है कि वज्रप्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है या इंडिया के साथ साथ और कौन सा स्टेट है, तो दोस्तों इंडिया के साथ साथ यूएसए की फोर्सेस के साथ हम ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं। इंपॉर्टेंट है वज्रप्रहार। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस को लेकर है। युद्ध अभ्यास पर आ जाते हैं। युद्ध अभ्यास अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया की मंगोलिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, और इसमें इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी आई है। तो आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखना है। अभी हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, यहाँ पर हम ये दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रही है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021।
अगली जो हमारी न्यूज है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया है। एक्ट कौन सा था? 1974 का वाटर एक्ट था। तो 1981 का हमारा एयर एक्ट है। अगर आपको फर्दर एक्ट के बारे में जानना है तो आप डिटेल्ड वीडियो में जा सकते हैं। अदरवाइज 1974 का जो वाटर एक्ट है उसके थ्रू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, ये एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगली न्यूज है हमारी बिमस्टेक से। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में। इसकी अभी 17th मीटिंग हुई है, इसे चेयर किया है श्रीलंका ने। बिमस्टेक का सेक्रेटरिएट ढाका में है और बिमस्टेक को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ओपन किया गया था या स्टार्ट किया गया था। तो फाउंडिंग डिक्लेरेशन इसकी बैंकॉक डिक्लेरेशन थी। अगली न्यूज है हमारी पीएम कुसुम से रिलेटेड। योजनाओं के ऊपर भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान। तो इस महाअभियान के अंदर में किसानों के खेतों तक किस तरीके से सोलर पावर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं, ये है पीएम कुसुम अभियान, आपसे पूछा जा सकता है। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसे लॉन्च और मैनेज करती है। दोस्तों अब आ जाते हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आखिरकार फॉरेन से आने वाला या हमारे पास फॉरेन का कितना पैसा है ये डिसाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन से जो पैसा आता है। अब अलग अलग देश अलग अलग करेंसी चलाते हैं, इसलिए हम सभी पैसे को डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं और ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। फिर इसके बाद गोल्ड रिजर्व पर आ जाते हैं। गोल्ड रिजर्व का एक पार्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। इसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट IMF जारी करता है। तो IMF में रिजर्व पोजिशन भी हमारे इंडियन फॉरेक्स का पार्ट है, साथ ही साथ स्पेशल ड्रॉइंग राइट भी। अगली जो हमारी न्यूज है वो भी अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज से है। मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर मैं आपको बता दूं, इंडिया और फ्रेंच की एक नेवल एक्सरसाइज होती है वरुणा। वरुणा बेसिकली ला पेरूज के पहले हुई थी। आपको वरुणा एक्सरसाइज याद रखनी है इंडिया और फ्रांस के बीच में। दोस्तों इंडिया और फ्रांस में शक्ति के बाद वरुणा हमने दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी, तो एक बार इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्रांस से हमने अभी राफेल लिया है और राफेल को लेकर कोई ना कोई करंट अफेयर्स बना रहता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर हम एयरफोर्स के बीच में देखें तो डिजर्ट नाइट 21 और गरुणा, ये दो एक्सरसाइजेस होती हैं। नेवल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वरुणा एक्सरसाइज जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिली, और आर्मी एक्सरसाइज में शक्ति। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज हमारी संकल्प से सिद्धि इस स्कीम पर है। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ट्राइफेड, ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड काम करता है। ट्राइफेड को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। संकल्प से सिद्धि में हो क्या रहा है, विलेज और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव ओपन की जा रही है। इससे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बूस्ट मिलेगा। आज की लास्ट खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर है नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 5th अप्रैल। तो हर 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। दोस्तों 2021 की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड COVID-19। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया क्यों जाता है, तो एक तो आपके लिए ये ईयर इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5th अप्रैल मनाया इसलिए जाता है क्योंकि 1990 में SS लॉयल्टी नाम का पहला इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल मुंबई से लंदन के लिए निकला था, तो इसलिए नेशनल मैरीटाइम डे इस याद में मनाया जाता है, 5th अप्रैल याद रखिएगा। कुछ एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, साथ ही साथ नीचे जो स्ट्रिप चल रही है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नीचे जो चैनल जो नीचे लिंक दिया है मैंने डिटेल्ड वीडियो का, तो इसमें जो भी टॉपिक हमने कवर किया है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा डिटेल्ड वे में 1 घंटे में हमने कवर किया है, उसका लिंक नीचे दिया है। अगर आपसे अनलॉक कोड पूछता है या इनवाइट कोड पूछता है तो आप PAN 2106 इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट 9th जुलाई, लेकिन हम करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछले 14 महीनों का रिविजन भी कर रहे हैं। ओके थैंक यू, टेक केयर, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट क्लास।